दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां पर प्रीता की सच्चाई सभी लोगों के सामने आने जा रही है कि इस समय प्रीता है प्रेग्नेंट और जो कि घर वाले अब एक बार फिर से ऋषभ पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऋषभ पर ये दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि ऋषभ तुम प्रीता का हाथ थाम लो। जिसके बाद में इस वक्त की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि ऋषभ एक साथ पूरी तरीका से प्रे पर यानी तैयार नहीं है प्रीता के साथ में शादी करने के लिए। वहीं पे ही बात की जाए तो पृथ्वी ये प्लान बना रहा है कि इस वक्त जो कि ये इल्ज़ाम क्यों ना लगाया जाए कि जो प्रीता पर बच्चा है उसकी कोक में वो किसी और का बच्चा है, करण का बच्चा नहीं है। इस तरीका का घटिया इल्ज़ाम लगाने की जो कि साजिश रचने वाले हैं ये लोग प्रीता के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अभी ऋषभ है घर पे और ऋषभ के होते हुए कोई भी प्रीता के साथ में कोई भी घटिया खेल नहीं खेल सकता क्योंकि ऋषभ जितने समय है वो प्रीता का पूरा ख्याल रखने में भी सक्षम है। साथ ही दोस्तों आपको कुछ अन्य अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आने वाले एपिसोड में जहाँ पर सैलन और पृथ्वी चलेंगे प्रीता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब तो करण चला गया, जो रास्ते का कांटा था वो निकल गया, लेकिन अब इस वक्त जो कि प्रीता को घर से निकालना बाकी है क्योंकि अब ये प्रीता को घर से निकालने की लाख कोशिश करने वाले हैं क्योंकि किसी भी तरीका से प्रीता को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले से ही जो कि आप लोग जानते हैं कि ऋषभ तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ऋषभ के फादर एंड ऋषभ की मॉम पूरा ख्याल रखती हुई नजर आ रही है प्रीता का और वाकई में प्रीता ने इस घर के लिए किया भी बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों ये लोग शायद भूल चुके हैं कि प्रीता के नाम पे पूरी वसीयत और पूरी कंपनी पूरा बिजनेस इस समय प्रीता के नाम पर है और उसे इस घर से कोई भी निकाल भी नहीं पाएगा। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा।